वन वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एंड टिप्स और कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना व्लॉग दोपहर से लेकर थोड़ा शाम तक का कुछ खास था नहीं आज तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ जो भी है वो मैं शेयर कर दूँ तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आरोग्य सेतु है एक ऐप है जो कि आप लोगों को डाउनलोड करना है क्योंकि अगर उससे क्या होगा कि आपके जो भी आसपास होंगे कोरोना वायरस अगर किसी का पॉजिटिव है तो वो आप लोगों को जरूर दिखेगा और उसको आप लोग जरूर अपने पास डाउनलोड करके रखें इससे आप सेफ हो या नहीं हो सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो हम बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ और व्लॉग में आज मैं आपको अपना किचन गार्डन दिखाने वाली हूँ कौन कौन से पेड़ लगाए हैं और क्या क्या लगाया है हम लोगों ने वो सब कुछ और सबसे पहले तो मैं चाय बना रही हूँ और चाय पियेंगे हम लोग हम और मिश्रा जी तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फिर छत पे गेहूँ पड़े हैं तो उनको भी आ, उठाना है सब तो मैं जो भी करती जाऊँगी वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी तो हाँ एक चीज़ और बताना है आप लोगों से कि अभी मैं एक सीरीज लाने वाली हूँ बहुत जल्दी मेकअप सीरीज है मतलब कि कोई भी एक्ट्रेस होगी जिसका कि मैं लुक क्रिएट करूँगी तो वो मैं सीरीज लाने वाली हूँ और उस पर सात वीडियो आएंगे मेरे मतलब कि मैं सात एक्ट्रेस का मेकअप लुक क्रिएट करूँगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए जिससे कि जो मेरी सीरीज है वो सफल हो सके तो बस यही कहना था आप लोगों से और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज मैं क्या क्या करती हूँ तो मैं चाय बनाने जा रही थी उससे पहले मैंने गहनों के लिए हलवा बना लिया और वो ये वाला हलवा आटे का हलवा होता है जैसा कि प्रसाद में लोग बनाते हैं वैसा और ये वाला हलवा ज्ञानू को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सिर्फ ज्ञानू के लिए बनाया है और सबसे पहले इसमें घी डाल देना होता है उसके बाद आप जो आटा डेली सब्जी खाते हो बस उसमें बना लो इसको अच्छे से सबसे पहले इसको आप फ्राई कर लो ब्राउन कलर का हो जाए जैसा कि मेरा हो गया है अभी इसमें थोड़ा सा आपको जितना आप आटा डालो उसके हिसाब से सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है घी और फिर उसको अच्छे से त, वो मतलब आपको तल लेना है आटे को जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ फिर उसके बाद पानी आपको डालना है पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें इकट्ठा ना डालें वरना पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा आप देख रहे हो आप भी एंड अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो अगर आप सोचो कि चीनी नहीं गलेगी तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें चीनी बहुत अच्छे से गल जाती है और चीनी सबसे आप लास्ट में ही डालें क्योंकि चीनी में थोड़ा बहुत पानी होता है अगर वो गलेगी तो इसलिए वो इजीली गल जाएगा कोई टेंशन नहीं होगा और ये थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा तो ये मैं निकाल लेती हूँ और गेनू को बहुत ज़्यादा पसंद है थोड़ा सा आप भी खा लो उसके बाद ये दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था चाय और जो आप ये थोड़ा सा देख रहे हो ये ज्ञानू की पेंसिल है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था तो उसने अपनी पेंसिल यहीं पे रख दिया और उसको बड़ा मना मना के पढ़ाना भी पड़ता है तो ये चाय मेरी कंप्लीट हो गई है और अभी मैं इसको छान लेती हूँ फिर चाय पे मिलते हैं हम लोग और बातें करते जाएंगे तो ये रही चाय और कचौड़ियाँ तो थोड़ा सा आप भी खा लें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ये हमने बनाया था थोड़ी देर पहले तो अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर रहा हमारा किचन गार्डन और इधर अभी बहुत सारे पेड़ लग गए हैं और मिश्रा जी अभी भी पेड़ लगा रहे हैं आप देख रहे हो तो यहाँ पे मिश्रा जी ने खीरे के पेड़ और जो लौकी के पेड़ तुरई के पेड़ और कद्दू के पेड़ करेले के पेड़ सब कुछ लगाया है तो वो यही लगा रहे हैं और आजकल इनका पूरा टाइम गार्डनिंग में ही जाता है तो ये सारी भिंडी हैं जो बहुत सारी हैं ये इधर टमाटर के कुछ पेड़ हैं सात आठ टमाटर के पेड़ हैं लेकिन ये है कि जिस दिन टूटते हैं काफ़ी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर ये इधर आप देख सकते हो ये बैंगन के पेड़ हैं तो इसमें पेड़ ज़रूर छोटे छोटे हैं लेकिन ये है कि इतने हो जाते हैं मतलब जैसे चार छः टूटते इकट्ठे तो हमारे घर के लिए सब्ज़ी के लिए हो जाता है और ये सारी भी तो ये वाले टमाटर के पेड़ हैं और टमाटर आप देख सकते हो लगे भी हैं काफ़ी हद तक जो अभी गर हरे हरे हैं तो ये देखो आप ये बीज रखे हुए हैं जिनको भिगो के रखा था धनिया के बीज हैं और इसमें कई सारे खीरे के तरबूज वगैरह के बीज हैं जो कि पहले से मिश्रा जी ने भिगो दिया था तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक सेकेंड और ये मिश्रा जी खोल रहे हैं तो ये मैं छत पे आई थी तो मैंने ये थोड़ा सा बना लिया और यहाँ पे आप देखो चिड़िया की इतनी अच्छी आवाज आ रही है सारे गेहूँ वगैरह कट गए सब मतलब हैं सबके मतलब पक गए हैं काटने के लिए हैं तो ये आप सब कुछ देख सकते हो तो ये जब गई मैं छत पे तो आप देख सकते हो ये हमारा गेहूँ है और ये गेहूँ हम लोग अब उठाएंगे और उठा के फिर इसको ऐसे ही रख देंगे अभी कल से फिर फैलाना है वाल वाल नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा नहीं है अच्छा ओके ठीक Oh. अरे, अब भी एक बाल अंदर है। सही बताओ हाँ। तुम ही सब खो आते हो इसका मतलब समझ में आ गया गुड oh, जॉब yes. अब ये क्या हरकत है <laughs> <laughs> खड़े होके खेलो

अब ये क्या हरकत है हाँ उसे से वो गई थे थे ये दो, ये दो। बत्ती बत्ती जल चुकी है तो अभी मैं दरवाज़ा बंद करूँगी और सारा काम हो गया है तो आ, ऐसा था कुछ मेरा आज का रात का जो भी मैंने मतलब दोपहर से लेके शाम तक का किया है थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि क्या होता है गाँव में काम और इस टाइम पे क्या बहुत ज़्यादा कम बढ़ गए हैं क्योंकि गेहूं का सीजन है तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन सरकार ने छूट दे दी है मतलब जो किसान हैं वो अपना गेहूं और सब मतलब अपनी फसल काट सकते हैं क्योंकि फसल का यही टाइमिंग होता है और अगर ऐसे में इस टाइम पर नहीं काटते हैं तो उनकी पूरी फसल पूरा उनका मेहनत सब कुछ खराब हो जाएगा तो इसलिए सरकार ने इस पर छूट दे दिया है और वैसे भी अभी कोरोना ज़्यादा मतलब मेरे तो यहाँ पे यहाँ पे एक भी केस नहीं है पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे तो इसलिए थोड़ा सा सेफ़ है और ये सब गेहूँ की वजह से बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए हैं क्योंकि अब हम लोगों के को साल भर का जो भी गेहूँ होता है जो भी वो साफ़ करके सब धुल वुल के रखना होता है फिर उनको बस पिसवाना रहे तो उस टाइम पर बिन के मतलब बिन ने मतलब ये होता है कि जो भी थोड़ा बहुत जैसे डाल धूप ऊप दिखाते टाइम पड़ गया तो बस उसको साफ़ करना होता है बस फिर हम हम लोगों का साल भर का पूरा स्टोर करना होता है तो इसलिए काम थोड़ा सा ज़्यादा है और आज का व्लॉग भी यहीं तक था यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ आज का ब्लॉग होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा अगर आपने इंजॉय किया होगा ये वाला ब्लॉग तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना आप मेरे चैनल पे नए हो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मैं फिर से मिलूँगी बहुत अच्छे वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए बाय बाय टेक केयर